इस वक्त हम जुलाना के मिरडा गांव के खेत में बने हुए हैं, जहां किसानों ने अपनी जो तैयार फसल है उसमें अपना ट्रैक्टर चला दिया है। हरियाणा से अलग अलग जगह से जो है खबरें लगातार मिल रही हैं कि किसानों द्वारा अपने जो खेत हैं उनमें ट्रैक्टर चला जा रहा है। उसी कड़ी में यहां एक बार फिर यहां पर जो किसान उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया, इस वक्त नौजवान किसान हमारे साथ हम बात कर लेते हैं। क्या नाम और कितनी एकड़ में आपने ट्रैक्टर चलाया है? भाई साहब 1.5 किला अपन बा दिया है जी, और आप 30 किले के जमींदार हाँ, 5 किले रख कर सारे न बहवाएंगे, सरकार से परेशान हाँ। और सरकार जब तक हमारा फैसला नहीं मानेगी, खेत भी नुए बंदे रहेंगे और बॉर्डर पर भी नुए बने रहेंगे। और सरकार को मानना पड़ेगा, आज मानो या कल, मानना जरूरी है सरकार को, क्योंकि सरकार प्रजा के लिए होती है, हिट के लिए नहीं होती। जितना हट सरकार कर रखा है सरकार ने, उतना ही सरकार को रोष प्रकट करेंगे हम। और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आगे आने वाले चुनाव में ये दिखाएंगे हम पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं और किसान हैं। यही धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद भाई साहब। एक और किसान इस बुजुर्ग हमारे साथ हम बात कर लेते हैं। कितने एकड़ में आपने ट्रैक्टर चला दिया? ट्रैक्टर में जो 4 किला चला दिया और भी चलावाएंगे जी। हमने जो कानून वापस लेना चाहिए तुमने, सरकार ने जी। आइए बात कर लेते हैं। एक और युवा किसान इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम और कहां से आप? लीलू गांव मेरडा जी, जिला जींद। क्या कहेंगे, कितने एकड़ में आपने ट्रैक्टर चला दिया? 4 एकड़ में ट्रैक्टर चला दिया जी। हाँ, और कितना चलाओ? 10 मोर चलावांगे, 5 किले रखा है स्पेशल वैस। अपने भाईचारा गए 36,000 का तरमाइंड देंगे, सरकार को नहीं देवांगे एक दाना भी। इतना 3 काले कानून वापिस नहीं लेगा, इतना सरकार को एक गेहूँ नहीं देंगे। आइए बात कर लेते हैं। एक और बुजुर्ग किसान इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, आपने यहाँ पर खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिया? हाँ जी, के करा भी ये कानून चलवा रहे, हम नहीं चला रहे, कानून चलवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बॉर्डर पर बैठे मारे बूढ़े भी जवान भी, और सुनाई नहीं कर रहा। मीटिंग कर है काट दे है, मीटिंग कर है काट दे है, ये बताओ के इंसानियत से बड़ा तो नो दावा शौक होगा दावा। तरह 15-15 खाते मांगे, 15-15 लाख आज मारे 15 लाख उल्टे छूट दिए। भाई साहब, हमने JJP को अपना विधायक बनाया, अमरजीत ढांडा जोराना लखे से, हमने पूरा मदद करी, अरे लेकिन जुशियंत भी नहीं मान रहे इस बात को। पहले तो लोकसभा में जाकर था यो ट्रैक्टर लेकर और है, अरे किसान बाबत बोल नहीं रहा कुछ भी। क्या बात, किसान की रोटी कौन खाना यो आगा, किसान बीच कौन आना है, अरे वो अपना आप में किसान मान रही हो, किसान हो आया यो। धन्यवाद भाई साहब। आइए और किसान इस वक्त है, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज आपने खड़ी फसल में जो है ट्रैक्टर यहाँ पर चलाया है? भीतरला दुखी मान के तो ये भाई है जी फसल, इब सरकार हमारी सुन नहीं रही, इब ना सुनेगी तो और क्या विरोध करने का यही तरीका हमारा तो। अरे गांव में कराएंगे विरोध कराएंगे, 3 महीना से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जी, वहाँ सरकार सुनाई नहीं कर रही, तारीख पे तारीख दे रही है। अच्छा, जो किसान मोर्चा का हमारा आदेश होगा, धरना भी वैसे ही चलेगा, काम भी वैसे ही कराएंगे, यहाँ अपना ये रूटीन बना रखा है जी हमने। और ये कुआँ कह दे आतंकवादी हैं, कुआँ फिलिस्तानी कुआँ के में कह दे हैं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा जी। हम खेत जब देश का पेट भरा, हम अनपैदा करके हम आप भूखे रह लें देश की, फिर भी हमने सोच है जी। तो ये देखा, काफ़ी संख्या में जो किसान इस वक्त यहाँ आई है, मैं आपको लाइव शॉट दिखा रहा हूँ जहाँ ट्रैक्टर अपने खेतों में चल रहा है। जुलाना के मेरडा गांव में जो किसान है उनके द्वारा यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर जो है ट्रैक्टर यहाँ पर चलाया जा रहा है। और जुलाना के जो और किसान उनका भी कहना है कि उनके खेतों में भी वो लोग ट्रैक्टर चलाएंगे। इस वक्त पंजाब के श्री TV के ऊपर हम आपको जुलाना के मेरडा गाँव से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ किसानों ने अपने जो खेत हैं उनमें ट्रैक्टर चला दिया है, और जो गेहूँ की जो तैयार फसल थी उसमें जो है काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए काफ़ी जगह में जो है ट्रैक्टर यहाँ चलाया जा रहा है, और गेहूं की तैयार फसल में इन किसानों ने अपने जो तैयार फसल है उसमें ट्रैक्टर चला दिया है। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती, ये लोग इसी तरह अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये देखिए, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे जो है जुलाना के मेरडा गांव में इस वक्त हम बने हुए हैं, जहां किसानों ने अपनी फसल में जो है ट्रैक्टर इस वक्त चला दिया है। ये देखिए, जुलाना के मेरडा गांव में जो किसानों द्वारा अपनी खड़ी फसल में जो है ट्रैक्टर इस वक्त चला जा रहा है। ये देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें पंजाब के श्री TV के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ किसानों द्वारा अपनी खड़ी फसल तैयार फसल के ऊपर ट्रैक्टर इस वक्त चलाया जा रहा है। ये देखिए, इस वक्त हम आपको पंजाब के श्री TV के ऊपर जुलाना के मेरडा गाँव की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ हरियाणा के अलग अलग जगह से ये खबरें आ रही हैं कि किसानों द्वारा अपनी खड़ी फसलों में ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जुलाना के मेरडा गाँव में भी किसान
किसानों द्वारा यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। ये देखिए काफ़ी संख्या में इस वक्त जो है किसान यहाँ पर खेत में बने हुए हैं और एक नौजवान युवा जो है अपने ट्रैक्टर को लेकर अपनी जो खड़ी फसल है उसमें अपनी गेहूं की जो फसल है उसमें ट्रैक्टर इस वक्त चलाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम आपको पंजाब केसरी टीवी के ऊपर लाइव तस्वीरें ये जुलाना के मिर्डा गांव से हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों ने अपनी जो खड़ी गेहूं की जो तैयार फसल है उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं और किसानों ने अपनी जो तैयार फसल है उसमें जो है ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो फसल है जहां पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर चलाया गया है। ये देखिए तैयार फसल के अंदर जुलाना के मिर्डा गांव में किसानों द्वारा यहां पर ट्रैक्टर चला दिया गया है। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो है इस वक्त हम आपको पंजाब की टीवी के ऊपर लाइव तस्वीरें जुलाना के मिर्डा गांव से दिखा रहे हैं जहां किसानों द्वारा अपनी फसलों के ऊपर ट्रैक्टर इस वक्त चलाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।